हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम अपने वीपीएन को एनपीएस यानी कि नेटवर्क पॉलिसी सर्वर से कैसे कंट्रोल करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ कनेक्शन बनाया था, वीपीएन कनेक्शन। तो मैं क्लाइंट साइड पे बैठा हूँ और जरा अपने सर्वर से कनेक्ट होकर बताता हूँ। तो आपको याद होगा कि टेस्ट यूजर वन को हमने अलाउ किया था, इसकी डायल इन की प्रॉपर्टीज में जाके अलाउ किया था कि ये लॉग इन कर सकता है रिमोटली। तो इसके लिए मैं इसका पासवर्ड डालता हूँ, जो भी इसका पासवर्ड है, और उसके बाद एंटर प्रेस करता हूं। तो देखिए आप, ये वीपीएन कनेक्शन हमारा बन गया है। तो वीपीएन कनेक्शन बनने के बाद अब जरा हम सीखते हैं कि इस कनेक्शन को हम या वीपीएन कनेक्शंस को या क्लाइंट्स को हम एनपीएस के थ्रू कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन से यूजर्स मेरे नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू वीपीएन या रिमोट एक्सेस। तो इसके लिए मैं अपने सर्वर के ऊपर जाता हूं। तो सर्वर पे आने के बाद मैं सर्वर मैनेजर को ओपन करता हूं और यहां पे देखिए रोल्स में नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्विसेज हमारे हैं और इसमें हमारा राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस वर्क कर रहा है। एक रिमोट एक्सेस क्लाइंट जो कि हमारा यही टेस्ट यूजर वन कनेक्टेड है। कितने समय से कनेक्टेड है, अभी कुछ ही देर पहले आपके सामने कनेक्शन बनाया है। हमारे पोर्ट्स भी आ रहे होंगे। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन होती है रिमोट एक्सेस लॉगिंग एंड पॉलिसीज। तो आपको याद होगा कि हमने जब इसको कनेक्शन अलाउ किया था वीपीएन क्लाइंट को, तो हम एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में गए थे और उसमें जाके हमने इस टेस्ट यूजर वन को डायल इन की प्रॉपर्टी से अलाउ एक्सेस किया था। अदरवाइज जो डिफॉल्ट ऑप्शन होती है वो इस प्रकार होती है। जैसे मेरे टेस्ट यूजर टू है, इसकी हम डायल इन टैब को प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे होता है कंट्रोल एक्सेस थ्रू एनपीएस नेटवर्क पॉलिसी। तो अब मुझे जो ये डिफॉल्ट ऑप्शन है, मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ या इसके ऊपर मैं देखना चाहता हूँ कि कंट्रोल एक्सेस कैसे हो, या मैं इसको एनपीएस के थ्रू इनके एक्सेस को, हमारे यूजर्स के एक्सेस को कैसे कंट्रोल करूँ कि कौन यूजर्स मेरे इस सर्वर को इसके साथ कनेक्ट होंगे। तो इसके लिए मैं अपने नेटवर्क पॉलिसी सर्वर पे जाता हूँ, स्टार्ट एडमिन टूल्स, और यहाँ से नेटवर्क पॉलिसी सर्वर या एनपीएस को सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए मेरा नेटवर्क पॉलिसी सर्वर एनपीएस आ गया। इसमें कुछ पॉलिसीज होती हैं हमारी बनी हुई, और पॉलिसीज में नेटवर्क पॉलिसीज जहाँ पे हमारा लिखा हुआ है कनेक्शंस टू माइक्रोसॉफ्ट राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्वर, और बाय डिफॉल्ट देखिए होता है डिनाई एक्सेस। तो हम सबसे पहले अपने एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में से जो मेरे टेस्ट यूजर है, इसके डायल इन में जाके इसको हम डिफॉल्ट इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं जो कि था कंट्रोल एक्सेस थ्रू एनपीएस, अप्लाई करके ओके करते हैं। अब ये यूजर मेरा रिमोटली एक्सेस नहीं कर पाएगा मेरे क्लाइंट को। और दोबारा से मैं चलता हूं नेटवर्क पॉलिसी सर्वर के ऊपर। तो देखिए पॉलिसी बनी हुई है, यहाँ पे आप अपनी खुद की पॉलिसीज बना सकते हैं, उसी को मूव अप मूव डाउन कर सकते हैं। इसका ऑर्डर दिया हुआ है, तो जितना प्रोसेसिंग ऑर्डर ऊपर होगा यानी कि नंबर लोअर होगा, उतनी हायर प्रायोरिटी उसकी होगी, ये बात ध्यान रख सकते हैं। तो हम इसको डुप्लीकेट पॉलिसी बनाते हैं जो कि हमारी कॉपी है, और इसका प्रोसेसिंग ऑर्डर 3 है यानी कि ये पहले प्रोसेस होगी, और इसमें हम एडिट करते हैं। अगर आप चाहें तो यहां से आप अपनी नई खुद की पॉलिसी भी क्रिएट कर सकते हैं न्यू से। तो मैंने डुप्लीकेट बना दी ताकि मेरे को कम से कम मेहनत करनी पड़े। तो इसका ओवरव्यू बता रहा है, तो पॉलिसी को एनेबल कर देते हैं जो कि कॉपी है कनेक्शंस टू माइक्रोसॉफ्ट राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्वर, और यहाँ पे सभी को एक्सेस जो है, क्योंकि ये बिल्कुल कॉपी है, इसमें वही ऑप्शंस हैं जो हमारी डिफॉल्ट पॉलिसी में थी, डिनाई एक्सेस हुआ हुआ है। और यहाँ पे हम बड़ी सारी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये जो एक्सेस है वो टर्मिनल सर्वर के लिए है, रिमोट एक्सेस सर्वर वीपीएन डायलअप के लिए है, डीएससीपी के लिए। तो आप कोई भी ऑप्शन यहां से ले सकते हैं क्योंकि हम इसको वीपीएन का कनेक्शन के लिए एनेबल करना चाहते हैं, अप्लाई करते हैं। इसके बाद यहां पे देखिए कंडीशंस में आ रहा है एमएस आरएएस रिमोट एक्सेस सर्वर वेंडर आईडी और जो भी माइक्रोसॉफ्ट की वेंडर आईडी है। अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर कंडीशन को मीट करना है, मान लीजिए कि हमारे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स में एक मैनेजर्स नाम का ग्रुप है और इसके कुछ मेंबर्स हैं जैसे कि टेस्ट यूजर वन, तो मैं चाहता हूं कि ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप के मेंबर्स को केवल रिमोट एक्सेस दिया जाए, तो हम इसको कैसे अलाउ कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे मैनेजर्स, हमारे यूजर का नाम मान लीजिए वो है टेस्ट यूजर टू, जिसको हम अलाउ करना चाहते हैं। इस बार अप्लाई किया, ओके कर दिया, और नेटवर्क पॉलिसी सर्वर में जाके जो ये मेरा कनेक्शन था इसकी कंडीशन में मैं ऐड करवाता हूं। और यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है जिसमें विंडोज ग्रुप, आप मशीन्स का ग्रुप, आप यूजर ग्रुप्स को ऐड करवा सकते हैं, और भी बहुत सारी ऑप्शंस। तो मैं यूजर ग्रुप को ऐड करता हूं, ऐड ग्रुप्स में जाता हूं और यहां से अपने मैनेजर्स नाम के ग्रुप को सिलेक्ट करता हूं। तो देखिए मैनेजर्स यहां पे आ गया है हमारे ग्रुप का नाम, ओके प्रेस करते हैं, दोबारा से ओके प्रेस करते हैं और इसको डिफॉल्ट ऑप्शन को यहां से रिमूव कर देते हैं। तो अब हमारे यूजर्स ग्रुप जो कि किंग में king.jst में मैनेजर्स नाम के ग्रुप के मेंबर्स होंगे, उन्हीं को केवल हम इसको अलाउ करवाना चाहते हैं। इसको अप्लाई करते हैं
ओवरव्यू में जाके ग्रांट एक्सेस कर देते हैं ताकि हमारे जो इस पॉलिसी के साथ जिसकी कंडीशंस को मेट करेंगे वो यूजर्स रिमोटली लॉगिन कर पाएंगे। इसको अप्लाई करते हैं और क्लाइंट पे चल के जरा इसकी टेस्टिंग करते हैं। पॉलिसी हमारी एनेबल्ड आ गई है। तो देखिए क्लाइंट पे आने के बाद दोबारा से एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। पहले इसको डिस्कनेक्ट करते हैं जो लास्ट टाइम हमारा टेस्ट यूजर 1 से हमने बनाया था, और दोबारा से कोशिश करते हैं टेस्ट यूजर 1 से लॉगिन करने की। तो देखिए ये लॉगिन नहीं कर पा रहा है। उसका कारण क्या है कि इसको तो हमने परमिशन दी ही नहीं है, सिर्फ मैनेजर्स ग्रुप के मेंबर जिसका मेंबर है टेस्ट यूजर 2। तो हम टेस्ट यूजर 2 से ट्राई करते हैं और उसका पासवर्ड हम देते हैं। तो आप देखिए टेस्ट यूजर 2 का कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है। डिटेल्स में इसका दिखा रहा है जो इसको आईपी एड्रेस दिया गया है। तो इसको सर्वर पे जाके इसकी टेस्टिंग करते हैं कि ऐसा ये लॉगिन कर पाया है कि नहीं कर पाया है। तो इसके लिए मैं सर्वर पे चलता हूं। तो मैं सर्वर के ऊपर आ गया और यहां से अपने नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्विसेज में अपने क्लाइंट्स को जरा चेक करता हूं। तो जहां पे देखिए अब यहां पे दिखा रहा है आपको टेस्ट यूजर 2। तो इस बार टेस्ट यूजर 2 इसलिए कनेक्ट हो पाया क्योंकि हमने एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में मैनेजर्स ग्रुप के मेंबर्स में केवल टेस्ट यूजर 2 को ऐड किया है, और नेटवर्क पॉलिसी सर्वर में जाके हमने पॉलिसी को थोड़ा सा एडिट किया। यहां पे डिनाई एक्सेस की जगह पे एक्सेस अलाउ किया। अगर ऐसे ही मैं इसको एक्सेस अलाउ कर देता तो ये बाय डिफॉल्ट सभी यूजर्स को एक्सेस दे देता, यानी कि कोई भी यूजर जो मेरे डोमेन का मेंबर है एक्सेस ले सकता था, रिमोटली एक्सेस कर सकता था नेटवर्क को। लेकिन मैंने एक कंडीशन लगा दी कि सिर्फ मैनेजर्स ग्रुप के मेंबर्स ही इस नेटवर्क को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा यहां बहुत सारी ऑप्शंस और भी होती हैं, जैसे कि ऑथेंटिकेशन मेथड्स, टाइम लिमिट जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कनेक्शन हमारा एस्टेब्लिश है, कितनी देर बाद डिस्कनेक्ट हो जाए ऑटोमेटिकली अगर वो खाली रहे, सेशन कितने टाइम बाद अपने आप से टाइम आउट हो जाए, डिस्कनेक्ट हो ही जाए इतने टाइम के बाद। तो बहुत सारे एक यहाँ पे और ऑप्शन है, देखिए डे टाइम रिस्ट्रिक्शंस। अगर आप चाहते हैं कि हम इसको एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर अलाउ करें तो हम इसको वैसी कंडीशन भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम इसको डिनाई करके कुछ छोटा सा ऑप्शन ले लेते हैं और उसमें हम परमिट कर देते हैं कि इसी समय में ये लोग लॉग इन कर पाएंगे। तो ये समय इस समय नहीं हुआ है, यानी कि इस समय हम डिनाई वाले स्टेज पे चल रहे हैं। तो मैं ओके करता हूँ, अप्लाई करता हूं और इसकी भी टेस्टिंग करके देख लेता हूं। तो इसके लिए मुझे अपने क्लाइंट के ऊपर जाना पड़ेगा। तो देखिए क्लाइंट पे आने के बाद पुराने बने हुए कनेक्शन को हम डिस्कनेक्ट करते हैं और दोबारा से टेस्ट यूजर 2 से ही लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए अभी भी आपको अलाउ नहीं कर रहा है। इसका कारण क्या है कि बेशक आपको परमिशन मिली हुई है, आप उस ग्रुप के मेंबर हैं जिसको रिमोटली एक्सेस सर्वर्स को करने की परमिशन है, लेकिन आपके ऊपर डे टाइम रिस्ट्रिक्शन यहां पे लगी हुई है। तो एक बार उसको हटाते हैं और इसको दोबारा से लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। तो दोबारा सर्वर पे चलते हैं, पॉलिसीज में डे एंड टाइम रिस्ट्रिक्शंस में से इसको हटा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं और क्लाइंट पे चल के जल्दी से इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। हम इसको रीडायल करते हैं। तो देखिए दोबारा से मेरा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है। अब दोबारा सर्वर पे चलते हैं। तो देखिए ये मैंने पॉलिसीज में, इसके अलावा यहाँ पे और हैं सेटिंग्स। यहाँ पे आप कुछ नैप एनफोर्समेंट, आईपी फिल्टर्स, आईपी एड्रेस, इनपुट आउटपुट फिल्टर्स या एनक्रिप्शन मेथड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम एनपीएस के थ्रू या नेटवर्क पॉलिसी सर्वर के थ्रू, पॉलिसीज के थ्रू अपने यूजर्स को रिमोट एक्सेस की परमिशंस दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। Thanks for listening.